जिला सरगोधा की तरफ से मकामी होटल में सालाना चैरिटी डिनर के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में नेशनल डायरेक्टर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान आमिर महमूद चीमा, सदर शुमाली पंजाब रिजवान अहमद और मुल्क के नामवर शायर जाहिद फखरी ने खसूसी शिरकत की। मजीद तफसीलात सरगोधा से समी भट्ट की इस रिपोर्ट में। सरगोधा में अल खिदमत फाउंडेशन ऑर्फन प्रोग्राम में जेरे कफालत बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करने के हवाले से चैरिटी डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें आमिर महमूद चीमा नेशनल डायरेक्टर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, रिजवान अहमद सदर अल खिदमत फाउंडेशन शुमाली पंजाब, मारूफ शायर जाहिद फहरी, जिले अमीर जमात इस्लामी मियाँ अवैस कासमतुल्ला, जिले सदर अल खिदमत फाउंडेशन मियाँ इजहारुल हक, अल खिदमत फाउंडेशन के जुम्मादारान समेत शहर भर से मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से तल्लक रखने वाली नामवर शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर मुहैया हजरात की जानिब से यतीम बच्चों की मदद के लिए 36,05,09,000 से जायद के अतियात अल खिदमत फाउंडेशन जिला सरगोधा के सपुर्द करने का ऐलान किया गया। सदर शुमाली पंजाब रिजवान अहमद ने कहा कि सरगोधा के शाहीनों ने जिस जज्बा से तआवुन किया है, इस पर राजे तहसीन पेश करता हूँ। ज़िले अमीर जमात इस्लामी मियाँ अवैस कासमतुल्ला ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम तमाम डोनर्स के मशकूर हैं, आपका दिया पैसा दुनिया आखिरत में आपके लिए कामयाबी का जरिया बनेगा। मारूफ मजाया शायर जाहिद फहरी ने अपने शेरों से शुरका को खूब महसूस किया और भरपूर दाद हासिल की। आखिर में मुल्क मिल्लत की तरक्की और सलामती के लिए खसूसी दुआ की गई। जामे मस्जिद नूर अड्डा जफर।